नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत फास्ट 100 के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज, 50 राज्यों में एक साथ डाले जाएंगे वोट। कमला हैरिस और ट्रंप में कांटे की टक्कर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग से पहले कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में उनके पैतृक गांव थोलसेंद्रपुरम में की गई प्रार्थना। हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला। राष्ट्रपति पद के लिए आज अमेरिका में वोटिंग। वोटिंग को लेकर वाशिंगटन डीसी समेत पूरे अमेरिका में बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल ने अपने नए नोटों के नक्शे में भारतीय क्षेत्र को किया शामिल। लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी को लेकर दोनों देशों के बीच पुराना है टकराव, करीब 35 साल से जारी। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला। हिंदू श्रद्धालुओं से खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की। मंदिर पर प्रदर्शन करने का विरोध करने पर की पिटाई। कनाडा में पिछले 3 नवंबर को मंदिर पर खालिस्तानी हमले के बाद ब्रैम्पटन में हिंदू भक्तों का एकता प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग हिंदू मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए, अपने समुदाय के प्रति एकजुटता दिखाई। पीएम मोदी ने कनाडा के हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की, दो टूक संदेश दिया। ऐसे हमलों से राजनयिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा, हिंसा से भारत के संकल्प कमजोर नहीं होंगे। मदरसा एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका, चीफ जस्टिस की बेंच आज सुना सकती है फैसला। जम्मू कश्मीर में 60 से ज्यादा आतंकवादियों ने की घुसपैठ। इतनी संख्या में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। जम्मू में 40 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। घुसपैठ के पुराने रूट पर जारी सर्च ऑपरेशन। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय। संजय रॉय ने बंगाल सरकार पर लगाया फंसाने का आरोप। 11 नवंबर से शुरू होगी मामले की सुनवाई। आगरा में सेना का फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश। आग लगने के बाद खेत में गिरा MiG-29 लड़ाकू विमान, दोनों पायलटों ने कूद कर बचाई जान। पंजाब के आदमपुर से भरी थी उड़ान। सोमवार को झारखंड के चुनावी दौरे पर रहे पीएम मोदी। चाईबासा की रैली में इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। कहा जेएमएम और कांग्रेस के नेता बना रहे घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज। झारखंड की डेमोग्राफी बदलने का आरोप। चाईबासा से पहले गढ़वा में पीएम मोदी ने की रैली। अपनी चुनावी रैली में बोले पीएम, ये चुनाव बदलाव का चुनाव, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने और जनता की सरकार बनाने का चुनाव, और इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया। कहा, मैंने पहली बार नोटों का पहाड़ टीवी पर देखा। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा, उनकी छाती पर तो झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। पीएम का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। परिवारवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जेएमएम, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं, चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे ही परिवार के हाथ में रहे। मुद्रा स्कैम केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें। लोकायुक्त ने जारी किया समन, 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, लोगों को परेशान करने के लिए धार्मिक स्थलों के बाहर आए खालिस्तानी को देखकर ऐसा लगता है कि कनाडा पुलिस उनके समर्थन में खड़ी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में थम नहीं रहा पोस्टर वॉर। सपा दफ्तर के बाहर नया होर्डिंग, पोस्टर लिखा 2024 का जन नायक, 2027 का महानायक। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उद्योग, नगर विकास और कुंभ मेला संबंधित 27 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। नए प्रस्तावों से विकास की गति तेज होने की संभावना। यूपी कैबिनेट की बैठक में टीचर ट्रांसफर को लेकर अहम फैसला। 5 की बजाय 3 साल में होगा ट्रांसफर। गृह जनपद में लौटने का मिलेगा मौका।
झारखंड चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता, उम्मीदवार और तमाम जिला अध्यक्ष मैदान में उतर गए हैं। चुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का नहीं बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर कहा, उनका प्रचार तंत्र लगा हुआ है, दूसरों के प्रचारक रहे हैं और अब अपना भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में लोग प्रचार में विश्वास नहीं करते। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर चुने गए अब्दुल रहीम राठौर, विपक्षी दलों द्वारा चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद राठौर को ध्वनिमत से चुना गया अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छाई प्रदूषण की धुंध, रोज तड़के शहर में प्रदूषण की मार से लोग परेशान। जयपुर में हवा जहरीली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो राजधानी के कुछ इलाकों में छाई हुई है धुंध की पतली परत। AQI 252। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब, अक्षरधाम मंदिर के पास रोजाना सुबह धुंध की परत देखी जा रही है। मुंबई की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत, बांद्रा वर्ली सी लिंक पर प्रदूषण की धुंध से लोगों को सांस लेना मुश्किल। मुंबई में भी हवा की क्वालिटी हुई खराब, प्रदूषण से छाई धुंध, दिन में रात जैसा नजारा देखने को मिला। ईरान के आजाद विश्वविद्यालय में हिजाब के खिलाफ कपड़े उतारकर विरोध करने वाली छात्रा का नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी ने किया समर्थन, कहा छात्रा बनी विद्रोह, गुस्से और विरोध का प्रतीक, छात्रा की जल्द रिहाई की मांग। ईरान में महिला अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने कहा, महिलाएं अपने विरोध की कीमत चुकाती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में प्रदर्शनकारी छात्रा की फौरन रिहाई की मांग की, कहा छात्रा को प्रताड़ना और दुर्व्यवहार से मिलनी चाहिए सुरक्षा, परिवार और वकील से भी मिलने की मिले अनुमति। इसराइल ने नॉर्थ गाजा के बेत लाहिया शहर में टैंक से हमला किया, दो घरों पर हमले में 7 की मौत। नॉर्थ गाजा के मध्य और दक्षिण हिस्सों में IDF के अलग अलग हमलों में 5 से ज्यादा लोग मारे गए, IDF ने कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी की। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में 43,374 फिलिस्तीनी मारे गए। और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में DGP की नियुक्ति का नियम बदल दिया गया है।